फिलहाल इस पहल को आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों को अपनी छुट्टी का दिन भी याद गुजारना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा देखिए ऐसा नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। बहुत ही बहुत बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। वो जिस तरह का है सर का, ठीक है कि सब कुछ में सही करना है, तो कुछ इस तरह का जो नया नया कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम मौजूद हैं शिक्षा विभाग में, जहाँ पे आज रविवार का दिन है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं जो तमाम अधिकारी हैं वो कार्यरत हैं। तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से आपको कि शिक्षा विभाग में हम लोग अंदर जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ पे जो तमाम अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं आज इंटरव्यू चल रहा है कुछ अभ्यर्थियों का, उसको लेकर के आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से। ये आप देख सकते हैं कि के पाठक का जो अपर मुख्य सचिव हैं उनका ये कार्यालय है, उसी के साथ साथ फिलहाल उनकी गाड़ी भी बाहर लगी हुई है, हम आपको दिखाएंगे। उसी के साथ साथ हम चल करके आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से अंदर एक सभागार है, वहाँ पे मीटिंग भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो परिवर्तन शिक्षा विभाग में अब देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं, कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो साक्षात्कार देने भी आए हैं, उसी के साथ साथ साक्षात्कार अंदर लिया जा रहा है। बहरहाल हम आपको दिखाएंगे भी कि किस तरीके से मीटिंग हॉल में लगातार जो है कहीं ना कहीं मीटिंग चल रही है, जो तमाम कागजात हैं उनको चेक किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं यहाँ? वैसे तो देखे तो ये बड़ा परिवर्तन है कहीं ना कहीं, ठीक तरीके से बताया जाए तो आज रविवार का दिन है, फिर भी कहीं ना कहीं मीटिंग की जा रही है, तमाम जो लोग हैं वो इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं। जो शिक्षा विभाग में एक बड़ा परिवर्तन फिलहाल अपर मुख्य सचिव के आने के बाद जो आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, वैसे तो लोग बातचीत करने को तैयार नहीं है, शायद ऊपर से दिशा निर्देश हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो परिवर्तन है वो साफ साफ देखा जा सकता है। किस तरीके से हम मौजूद हैं, ठीक ये जो डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति भवन है, इसी के अंदर जो है मीटिंग चल रही है। कहीं ना कहीं हम आपको बाहर से तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से अंदर जो है मीटिंग हो रही है। उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं ये बड़ा परिवर्तन फिलहाल शिक्षा विभाग में देखने को मिल रहा है कि आज रविवार का दिन है। अमूमन रविवार को अक्सर जो ये होते हैं शिक्षा विभाग होते हैं वो बंद रहते हैं, लेकिन फिर भी जो ये तस्वीरें हैं वो अपने आप में एक अनोखा है, जिस तरीके से सामने आ रही हैं बातें। वैसे हम लोगों ने बात करने की भी कोशिश की, लोग बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन फिलहाल साफ साफ देखा जा सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि जैसे कि जो बच्चे इंजीनियरिंग है, ठीक है, उसका पेपर चेक किया जाएगा, अगर ओरिजिनल है, डॉक्यूमेंट सही है, उस सबका इंटरव्यू होगा। अच्छा, ठीक। और फिलहाल इस परिवर्तन को कैसे देख रहे हैं? अमूमन देखते होंगे कि बंद रहता है शिक्षा विभाग रविवार को। अच्छा, ये चीज़ जो है पहली बार हुआ है कि संडे के दिन भी काम, क्योंकि शिक्षा में सुधार लाना है तो ये तो जनरली सी बात है, तो बहुत कुछ तो संडे को भी ड्यूटी करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो फिलहाल इस पहल को आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों को अपनी छुट्टी का दिन भी याद गुजारना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा देखिए ऐसा नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिलहाल जो नेतृत्व है के पाठक, कहीं ना कहीं बहुत सुधार किए जा रहे हैं, उसको किस तरीके से? बहुत ही बहुत बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। वो जिस तरह का है सर का, ठीक है कि सब कुछ में सही करना है, तो कुछ इस तरह का जो नया नया कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। कितने मतलब लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप बच्चों को बुलाया गया? ऑलरेडी जितने लिस्टेड हुए हैं उनको ही बुलाया जा रहा है, साइड से कोई नहीं। जो ऑलरेडी पहले से मॉनिटरिंग किया गया है कि इतने बच्चे का होना है डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग, जो ऑलरेडी एजेंसी को दी है वही एजेंसी से के थ्रू किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हुए हैं? यस। कैसा देख रहे हैं? अमूमन रविवार को जो शिक्षा विभाग है वो बंद रहता है, लेकिन फिर भी अभी भी आज जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, तो इसको कैसे देख रहे हैं इस पहल को? इस पहल को सर ये देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा शिक्षा विभाग कैसे प्रोग्रेस करेगा, उसके बिहाफ में हम लोगों को बीटेक होल्डर जो भी है उसे यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। शिक्षा विभाग का जो भी स्तर है, सभी किसी के भी उम्र में जैसा चल रहा है कि लो स्तर चल रहा है, उसे के बिहाफ में चल रहा है कि कैसे इसको ठीक किया जाए, कैसे प्रोग्रेस किया जाए बिहार का इस शिक्षा
यही है सर। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा? जैसे मान लीजिए अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी आगे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सर उसको एक प्लेस दिया जाएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग का जो भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हो, जिसका भी जो ब्रांच होगा, जो भी बीबीएम होगा, जैसे होगा ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, उसका क्या काम है उसको देखना है वहाँ पर जाके सही तरह से, यही काम है। बहुत से प्रोग्रामर है, उसको यहाँ से ऑफिस से प्रोग्रामर उसको देखना है पाइथन कैसे उसको प्रोग्राम करके दिया जाएगा कि आप ये कीजिए। सबको सब जाकर सबका प्लेसमेंट का अलग अलग वैल्यू है। तो आप लोग जो है परीक्षा दे करके, परीक्षा में पास हो करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया? जी नहीं सर, बाय हम लोगों को इंटरव्यू होगा यहाँ पे, और इंटरव्यू के बाद हम लोग का जो भी हमारा ये क्या कहता है सर्टिफिकेट है उसको जांच किया जाएगा। जांच के दौरान अगर सही पाया जाता है तो उसको प्रोसेस किया जाएगा। तो इंटरव्यू सभी दे सकते हैं या नहीं? नहीं 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 नहीं, जिसने अप्लाई किया उसे वही दे सकते हैं, और जिसको कॉल किया गया है। अभी तो यही चल रहा है सर अभी। तो देखा किस तरीके से शिक्षा विभाग में रविवार को भी कहीं ना कहीं जो तमाम अधिकारी हैं वो कार्यरत हैं, अपने कार्य पर हैं कहीं ना कहीं, और उसी के साथ साथ बीटेक वालों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जहां जो ज़रूरतें होंगी फिर उनको वहां पे पोस्टिंग की जाएगी। उसी के साथ साथ वैसे तो अमूमन रविवार को कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट बंद होता है, लेकिन जिस तरीके से अपर मुख्य सचिव के पाठक की जो तमाम सुधार के कार्यक्रम शिक्षा विभाग में देखने को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो बिहार की शिक्षा के स्तर को कहीं ना कहीं मजबूत करने की एक बड़ी पहल है। बाकी क्या होता है ये तो आगे ही देखना होगा कि किस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या सुधार होते हैं। और भी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। धन्यवाद।